Uh, इसका मतलब आप देखें कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स डिफरेंट सोसाइटीज़ जिस तरह क्लासेस हैं आपके uh, पूरे माशरे में वहाँ में जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बच्चे जैसे ग्रो कर रहे हैं वो उनकी पर्सनालिटी के ऊपर इसकी थेरी uh, बेस कर रही होती है सो इकोलॉजिकल सिस्टम्स को उसने देखा ऑब्जर्व किया और उस थेरी के साथ रिलेट किया कि बच्चे जहाँ से uh, सीख रहे हैं सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो कितना उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है इसी तरीके से देखें कि चिल्ड्रन टिपिकली फाइंड दमसेल्व्स एन इन द वेरियस इकोसिस्टम्स सिस्टम्स और वो डिफरेंट जगहों से जब आएंगे तो किस किस्म की उनकी ट्रेड्स पर्सनैलिटी ट्रेड्स आएंगे एबिलिटीज़ नज़र आएंगी उनके uh, जो घर हैं वो और उनके इकोसिस्टम में क्या इंटरेक्शन है क्या कंटे uh, जो हैं वो हमारे पास आ, और नज़र आएंगी और बच्चा जो है वो किस किस्म की आ, जो डेवलपमेंट और उसकी एबिलिटीज़ हैं वो कहाँ उसके साथ मैच कर रही होंगी जाके। तो so, देखें कि बहुत सारे जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम हैं जिसमें कि डिफ़रेंट सोसाइटी और डिफरेंट कल्चर्स हैं वो किस तरीके से बच्चे की पूरी डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट होते हैं तो इस तस्वीर में आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं दिस सिस्टम्स आर इन एविटेबली इंट्रैक्ट विद एंड इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ यहाँ पे आप देखें कि एक बच्चा है जिसके ऊपर एक इमीडिएट इन्वायरमेंट है जिसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं फिर उससे कनेक्टिविटी है जब वो बाहर जाता है तो वो मेसो सिस्टम में आते हैं और फिर इनडायरेक्टली जब इन्वायरमेंट है वो एक्सो सिस्टम सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को फेस करता है वो मैक्रो सिस्टम है एंड क्रोनो सिस्टम में आप देखें कि चेंजेस ओवर टाइम जो है उसके सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं सो so आप देखें कि पहले माइक्रो सिस्टम है माइक्रो सिस्टम इट मीन्स द वेरी स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच चाइल्ड इज़ लिविंग ये वो सिस्टम है जो उसके घर के ऊपर बेस करता हुआ हमारे पास नज़र आता है इसमें देखें कि यहाँ पे डेली होम स्कूल और उसकी इन्वायरमेंट है डे केयर है पीयर ग्रुप है पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं इस पूरे सिस्टम में वो लोग शामिल हैं और उनकी सबकी पर्सनालिटीज़, वो इन्वामेंट वो कॉन्टेक्स्ट, वो सोशल ट्रेड्स किस तरीके से बच्चे के ऊपर असरंदाज होते हैं यहाँ से एक बच्चा जो है वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर रहा होता है जो कि उसको इस माइक्रो सिस्टम में से मिल रहे होते हैं सो so, यहाँ से लेकर उनकी जो कम्युनिटी का जो पार्ट है वो माइक्रो सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता चला जाता है फिर हमारे पास आता है मीसो सिस्टम जो मीसो सिस्टम है ये इंट्रैक्शन है ऑफ डिफरेंट uh, अदर एकोलॉजिकल सिस्टम इन विच चिल्ड्रन फाइंड देम सेल्व तो ये एक आपके सामने जो एक पिक्चर नज़र आ रही है इट इज़ इन ए सेंस सिस्टम ऑफ माइक्रो सिस्टम और इट इन्वॉल्व एंड लिंकज बिटवीन होम स्कूल पियर एंड बिटवीन फैमिली एंड कम्यूनिटी सो बच्चा अपने घर से दूसरे सिस्टम्स को जब ले कर निकलता है तो उसके साथ आप देखें कि उसकी इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ आपके सामने नजर आ रही है वहां से उसके डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो उसकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनते हैं द नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सो सिस्टम सो दिस सिस्टम टू द लिंकेज दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर सेटिंग्स दो सेटिंग्स इस तरह से हो सकती हैं कि एक जिसमें बच्चा रह रहा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर डायरेक्टली हो रहा है और दूसरी ऐसी सेटिंग जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर इफेक्ट इनडायरेक्टली होता है या फिर नहीं हो रहा होता फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक घर है उसमें एक बच्चा रह रहा है और एक कम्यूनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट चेंजेस uh, आ रहे हैं वो मे भी उसके ऊपर डायरेक्टली uh, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता लेकिन जो बच्चे के घर का इंटरनल uh, पूरी की पूरी इन्वामेंट है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है उसके सिस्टम के ऊपर इसमें हम देखेंगे मैनी टाइम्स ये होता है कि आपके पेरेंट्स में सेपरेशन भी हो जाती है और पेरेंट्स कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर जाते हैं तो आपके घर के अंदर जो चेंजेस हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर इफेक्ट है और जो बाहर का सिस्टम है वो कभी इनडायरेक्टली और या कभी उसका असर नहीं हो रहा होता तो द नेक्स्ट सिस्टम इज़ क्रोनो सिस्टम में इंक्लूड अ चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर एड्रेस पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एज वेल एज़ यूजफुल डायमेंशन ऑफ टाइम और जो इसमें डेमोन्स्ट्रेट करेगी उस इंफ्लुंस को टाइम और कंसिस्टेंसीज के साथ तो इसमें बच्चे की जो इमिडिएट इन्वायरमेंट है वो उसके साथ साथ क्रोनो सिस्टम के साथ चेंज होती हुई नजर आएगी जैसे आ, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट है सिविल वॉर है या फिर ऐसी पेंडेमिक है जैसे तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरी इन्वायरमेंट पे किस तरह है और बच्चा जो है वो इस चेंज को किस तरीके से परसीव कर रहा है